हेलो गाइस, स्वागत है आपका एम स्टेटू ब्लॉग्स में। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है। आप आज एक हादसा हो गया मेरे साथ, ठीक है? तो वो तो वीडियो में पता चलेगा आपको कि क्या हादसा हुआ है। और भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को देखोगे तभी पता चलेगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, टैटू बनाते वक्त। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो भाइयों, स्टेंसिल वगैरह मैंने कर लिया था, वीडियो मैंने स्टेंसिल का बना नहीं पाया, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में था। और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइनिंग के लिए भाई 5 RL, और मैं फिलिंग के लिए यूज़ करूँगा 9 RS और 13 RM, ठीक है। 13 मैग्नम यूज़ करूँगा और 9 RS यूज़ करूँगा फिलिंग के लिए, शेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं कौन से नीडल यूज़ कर रहा हूँ, और लाइनिंग के लिए मैं 5 RL यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना आप, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे कैसे। ये मॉम डैड वाला टैटू है, बैंड टैटू, मॉम डैड वाला जो आया है, ट्रेंडिंग में चला था बीच में, वही वाला टैटू है ये। और ये जो क्लाइंट बना रहे हैं उनका फर्स्ट टैटू है, और इस टैटू को लेके थोड़ा सा एक हादसा भी हुआ है, जो कि वीडियो के एंड में है, आपको पता चलेगा कि क्या हादसा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जितने भी भाई लोग हो, और अपने भी भाइयों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करवा दीजिए और भी लोगों से जिनको आप जानते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो को देखें एंड तक कि इसमें क्या हादसा हुआ था, ठीक है। आपके साथ भी अगर ऐसा हादसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, कि ऐसा जो भी है ये सस्पेंस है, एंड में पता चलेगा आपको कि क्या हुआ है, ठीक है, मैं एंड में बताऊँगा। बाकी ये लाइनिंग हो रही है, आप देखिए कैसे करके मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट काँप रहा था, क्लाइंट का जो हाथ है वो हल्का हल्का, देखो क्लाइंट ने कैसे पकड़ रखा अपना हाथ, उसका अंगूठा दिख रहा है, हाथ कांप रहा था क्लाइंट का। तो थोड़ा बहुत हो सकता है लाइनिंग हल्की फुल्की इधर से उधर हो जाए, और मेरे मशीन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद इसके ऊपर भरेगा ना कलर, ये तो लाइन कर रहा हूँ। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं यार, पहला टैटू है ना तुम्हारा, तभी अच्छा ध्यान निकल रही है यार। पहले टैटू में ऐसे ही होता है। इसके बाद दोबारा कौन बनवाएगा?
अंदर वाले हिस्से में दर्द होगा, पीछे वाले में नहीं होगा इतना। अरे अभी सब दर्द चला जाएगा, दो महीने का होता है, दो महीने का है दर्द। तो गाइस हमारी लाइनिंग कंप्लीट होने वाली है, पर गाइस सबसे बड़ी बात होती है आपका इस टैटू में, बैंड टैटू में, कि स्टेंसिल आपको लगाना। आपका स्टेंसिल आप कैसे करके लगाते हो हैंड में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है स्टेंसिल लगाने में, कई बार टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि ये मेरे एक बार में नहीं छपा स्टेंसिल, मैंने सेकेंड बार इसको दोबारा छापा है। पहली बार में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, फिर दूसरी बार मैंने इसको फिर से सही तरीके से छापा मेजरमेंट लेके, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत ध्यान से छापना पड़ता है, वरना बैंड जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, फिर बैंड अच्छा नहीं दिखेगा। और कई बार ये होता है कि हैंड के हिसाब से बैंड पूरा भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो वो गैप आप पेन से भर सकते हैं दोनों साइड को जोड़ के एकदम बारीकी से, ठीक है, जिससे टेढ़ा ना लगे कि आपका बैंड टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो एकदम बारीकी से जोड़ना है आपको पेन से जो गैप बचेगा, और बैंड जो स्टेंसिल होगा उसको बहुत ही सही तरीके से आपको छापना है, एकदम ही ध्यान से, एकदम स्टेबल होके, वरना फिर वो सही से नहीं छपेगा तो हो सकता है आपका स्टेंसिल ख़राब हो जाए और आपको फिर से स्टेंसिल करना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, वरना हो सकता है आपकी मेहनत मिट्टी हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेंसिल अच्छे से छापना है सही तरीके से।
गाइज मैं ये 9RS यूज़ कर रहा हूँ फिलिंग के लिए, ठीक है, 9RS है ये। और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगा फिलिंग के लिए और शेडिंग के लिए, वो मैं यूज़ करूँगा 13RM राउंड मैगनम, 13RM राउंड मैगनम यूज़ करूँगा मैं। तो रहना तो अच्छा लग रहा है। हाँ? क्या ऐसे ही रहना तो अच्छा लग रहा है, साइड में कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे करना है। कलर तो नहीं खोला है क्योंकि ये कलर वैसा नहीं है ना, ये तो तो गाइज ये है वो सस्पेंस, ये है वो हादसा जो हुआ है। भाई ने पूरा टैटू ही नहीं बनवाया, दर्द के मारे कह रहे हैं, पता नहीं इतना कितना दर्द हुआ भाई को, पूरा टैटू ही नहीं बनवाया, पूरा देखो कितना सारा काम छूटा हुआ है।
और इधर देखो एरो मैं दिखाऊंगा एरो से आपको, ये तो पूरा फिल ही नहीं हुआ, ये देखो ये तीन जो एरो है ये पूरा फिल ही नहीं किया, ठीक है ऐसे ही चले गए पेमेंट करके टैटू बनवाया नहीं तो दर्द गया। गाइस कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को आपको मिला होगा वीडियो से। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अब तो, और लाइक कर दो, और कमेंट करना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं, और अपने दोस्तों को जानने वालों को शेयर कर दो वीडियो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर।